नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज यहां पर प्रॉपर्टीज का। या प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मुंबई ऐसे शहरों में, खासकर महाराष्ट्र जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर घर खरीदना इतना आसान नहीं है और बहुत से लोग इसमें फ्रॉड में फंस जाते हैं और बहुत से डेवलपर भी इसमें जो है समस्या में जूझ जाते हैं। तो हमारे साथ में है अश्विन शाह जी, जो सीए हैं और बीकॉम एफसीए और आईटी भी हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर थाने में एमसीएचआई का एडमिशन है, यहाँ पर उन्होंने रेरा के ऊपर सेमिनार किया है। हम इसे जानेंगे कि रेरा के माध्यम से जो है बिल्डरों पर किस तरह लगाम लगता है और किस तरह से इसके मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अश्विन शाह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो घर लेना चाहते हैं या घर लिए हुए हैं तो किसी न किसी मामले में फंस गए हैं, चाहे वो डेवलपिंग मामला हो या फ्रॉड का मामला हो। ऐसे में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर जो बायर्स हैं और जो फंसे हुए लोग हैं? अभी रेरा का एक सेंट्रल एक्ट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। ये सेंट्रल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिए है कि आप रूल बनाइए, आप अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करिए और जो होम बायर है उनको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए। तो महाराष्ट्र में मैं ये गर्व से कहूँगा कि महाराष्ट्र सबसे डोमिनेंट है, सबसे आगे है पूरे इंडिया में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड में भी। और जो महारेरा का जो पोर्टल है उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है प्रोजेक्ट के बारे में, प्रमोटर के बारे में, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई लोन लिया गया है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी होम बायर को ये करना है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टडी करके और बाद में कोई डिसीजन लेना है। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी जी। लेकिन अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी एक लिटिगेशन का प्लेटफॉर्म महारेरा ने प्रोवाइड किया है जो काफ़ी रीजनेबल है। आप एक 5,000 रुपया भर के कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और जो पहले जो प्रक्रिया थी कि आपको सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बहुत सारा पैसा या ये समय सब भी, समय, भी समय भी जाता था, पैसा भी जाता था, तो वो अभी ये जो नई सिस्टम आई है उसमें थोड़ा फास्ट रिजोल्यूशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे मैटर हुए हैं जहाँ पे कुछ डेवलपर और अलॉटी के बीच में सेटलमेंट भी हुए हैं और बहुत सारे जजमेंट होम बायर के फेवर में भी आए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन होम बायर को अभी सतर्क रहना पड़ेगा। होम बायर ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, बिकॉज अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और अगर वो उसको यूज़ नहीं करता है तो फिर वो पूरी तरह फंस। जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है महारेरा पोर्टल पे और भी गुजरात रेरा की पोर्टल पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो होम बायर को नेचुरली खुद का जो हार्ड एंड मनी है उसको अगर बचाना है और अच्छे प्रमोटर को सिलेक्ट करना है तो उसको स्टडी तो करना पड़ेगा। वो आँख बंद करके कोई प्रोजेक्ट में डालेगा जस्ट बिकॉज के वो सस्ता है, अगर एक लोकेलिटी में दो प्रोजेक्ट है, एक सस्ता एक महंगा है, जस्ट बिकॉज के ये प्रोजेक्ट का रेट कुछ कम है इसलिए मैं इधर डाल दूँ, तो अभी वो नहीं चलेगा। भले वो महंगा प्रोजेक्ट है लेकिन वो प्रमोटर की अगर हिस्ट्री अच्छी है वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। वो प्रोजेक्ट में कितने लिटिगेशन है, प्रमोटर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्रमोटर के जो पार्टनर या डायरेक्टर है वो लोग कहाँ कहाँ पे और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक कहावत है ना कि जो महंगा लेवे वो सोए और सस्ता लेवे वो रोए, बराबर है। तो बेटर है कि होम बायर एक अच्छी स्टडी करके या किसी से कंसल्टेंसी लेके प्रोजेक्ट की डिटेल निकाले और अपने जो हार्ड एंड मनी है, बिकॉज एक बार प्रोजेक्ट में पैसा लगा और बाद में अगर वो फंस जाता है तो लिटिगेशन में तो बहुत टाइम जाना है, उसको 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, और तब तक उसको रेंट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे होम लोन का इंटरेस्ट भी चालू है, रेंट भी देना पड़ेगा और फ्लैट भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि प्रॉपर स्टडी नहीं होती है। अगर प्रॉपर स्टडी करके काम किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये रेरा के माध्यम से ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जिससे प्रमोटर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं पाएगा, वो चाहे तो भी नहीं छुपा पाएगा। बहुत सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप वो
रजिस्ट्रार के पास से भी निकाल सकते हो, बैंक के माध्यम से भी निकाल सकते हो। तो ये सारे अगर कोई करता है तो फिर चांसेस बहुत कम है कि प्रोजेक्ट, एक बार अच्छा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया तो फिर बहुत कम चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट अटक जाएगा जी। उसके फेयर चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट पूरा ही होगा। जोशी जी, एक चीज़ और सारी बात आप बताइए कि मुंबई MMRDA के एरिया में, जैसे मुंबई के बाहर कल्याण के आगे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं और एक कॉमन में जो है आग बंद करके इस तरफ घर ले रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे जमीन के भी मामले हैं, जैसे कि 7-12 किसी और नाम से है और वहाँ डेवलप कोई और कर रहा है, इस तरह की समस्याएं बाद में चल आ जाती है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में जो कॉमन मैन है, जो छोटे, जो लोग जिसको इसके बारे में मालूम ही नहीं है, उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें अभी महारेरा ने ये जो बीच में KDMC का एक बहुत बड़ा फ्रॉड आया था कि जहाँ पे फेक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अपलोड हुए थे और झूठा रजिस्ट्रेशन लिया गया था, वो सारे प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर कर दिए और उसके ऊपर से महारेरा ने अभी ये सारे नॉर्म्स को बहुत टाइट कर दिए है। पहले टाइटल सर्टिफिकेट 200 पन्ने का आता था, 100 पन्ने का आता था, जो एक कॉमन आदमी समझ नहीं पाता था। तो अभी उन्होंने टाइटल सर्टिफिकेट को भी एक फॉर्मेट दे दिया है कि एडवोकेट को यही फॉर्मेट में देना है, और अभी टाइटल सर्टिफिकेट के अलावा वो लोग प्रॉपर्टी कार्ड की डिटेल्स, कन्वेंस डीड, लीज डीड, ये सारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये सारा भी अपलोड करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो ये सारा चीज़ अभी नाउ अवेलेबल है, तो ये देखना चाहिए जी कि भाई टाइटल क्लियर है कि नहीं है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, कि बिना देखे करेंगे तो दिक्कत आएगी जी। लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो नया घर खरीदना चाहते हैं, और आपने जो अभी यहाँ पर सेमिनार लिया खासकर रेरा की तरफ से, तो क्या मेन जो पॉइंट थे जो आपने हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, आप नया घर ले रहे हो तो पहले तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल कि डेवलपर की खुद की ज़मीन है या किसी और की ज़मीन पे वो कर रहा है, या सोसाइटी की ज़मीन है और कोई डेवलपर है, या वो डेवलपमेंट मैनेजर है। क्योंकि अगर डेवलपर की खुद की ज़मीन है तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेकिन अगर कोई और पार्टी भी इन्वॉल्व है तो जब वो दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट आएगा तो उसके रिपरकेशन प्रोजेक्ट पे आएंगे। तो ये सारी चीज़ देख लेनी चाहिए। सेकंडली, प्रमोटर का पास्ट एक्सपीरियंस, उसके पहले के प्रोजेक्ट का भी स्टडी करना चाहिए कि उसने कब प्रॉमिस किया था और कब दिया था जी। अगर उसने पहले ही प्रोजेक्ट 4-4, 5-5 साल डिले करके दिए हैं तो फिर वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा प्रमोटर सिलेक्ट करने के लिए। कभी कभी वो प्रमोटर की ब्रांड इतनी अच्छी होती है कि वो थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज करेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो ज़्यादा चार्ज करता है तो डिलीवरी भी टाइम पे देता है, क्वालिटी भी देता है। तो ये सारा पूरा देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक की फैमिली में कोई ना कोई एजुकेटेड तो है ही, और ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अभी तो आप मोबाइल पे भी गूगल पे कुछ डालोगे कि XYZ प्रमोटर का हिस्ट्री क्या है तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो अभी ये सारा एक्सप्लोर करने के बाद ही आपको जाना चाहिए। मीन्स बहुत एकदम गाई गाई में, जस्ट बिकॉज मेरा पड़ोसी ले रहा है इसलिए मैं भी ले लूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद की होशियारी, खुद की स्टडी करने के बाद ही अपना पैसा डालना। लास्ट एक क्वेश्चन है कि जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं इस तरह के मामले में घर खरीदने के लिए, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, रेरा की तरफ से क्या हेल्प हो सकती है उनको? रेरा ने लिटिगेशन प्लेटफॉर्म दिया है, उसके ऊपर आप एट अ वेरी रीजनेबल रेट 5,000 रुपया भर के भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और फिर आपको रेरा में सारी डिटेल देनी है, एविडेंस देने हैं। तो रेरा के बहुत सारे जजमेंट डेवलपर के अगेंस्ट भी आए हैं, रिकवरी वारंट भी इश्यू हुए हैं जी। तो बाद में वो रिकवरी कलेक्टर के थ्रू होती है, ठीक है। अभी ये रेरा 2017 में आया है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा पूरा मैच्योर होने को, बट जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, बट अगर कोई फंस गया है तो सर्टनली रेरा के पास जा सकता है, और कम और रिजनेबल रेट में और कम टाइम में उसका जस्टिस उसको मिल सकता है। रेरा के बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल होते हैं और उसका डिसीजन भी आता है जी। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मीन्स पहले नहीं है कि उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, मीन्स बहुत सारे लिटिगेशन के कॉस्ट इंकर करने पड़ेंगे, टाइम भी बहुत जाता था, तो ये सब अभी बंद हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रेरा का, मीन्स आपको कोई फिजिकल मूवमेंट भी नहीं करना है, आप ऑनलाइन हियरिंग से
रेरा ऑफिसर को समझा सकते हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो रेरा ऑफिसर फिर डेवलपर को उसका पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और वो हिसाब से जस्टिस देंगे। थैंक यू अश्विन जी। तो ये थे अश्विन शाह जी जो रेरा के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। तो आपको और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए, आपको कुछ और पूछना रहेगा, तो मैं इनका नंबर और इनका जो मेल आईडी है मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसको जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप कोई भी सवाल रहेगा तो पूछ सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो का अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए ऐसे खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।